आ शरदा आ। आ भाई। अरे ये क्या यार, फोन उठाकर रखा हो तुमने? कब से तुमको लोग ट्राई कर रहे हैं फोन। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, बस अभी पहुंचो। अरे साहब ने फोन उठाकर नीचे रखा हुआ है। नहीं नहीं सब ठीक ठाक ही है, थोड़ा सा परेशान लग रहा है, डोंट वरी मैं देखता हूँ। किसका फोन था? अरे सुधा से बात कर रहा था भाई तुम्हारे बारे में, वो कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही है। पहले कंटिन्यूअसली रिंग हो रहा था, उसके बाद में कंटिन्यूअसली एंगेज आ रहा था। कमाल है यार, तुम भी कमाल करते हो। अरे वो परेशान होकर उसने मुझे यहाँ भेजा तुम्हारे पास ये जानने के लिए कि कोई परेशानी तो नहीं है। चाय बनाता हूँ। नहीं नहीं चाय की जरूरत बनाता हूँ ना। अरे नहीं भाई, तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, बैठ। ये क्या है जय? हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्या, नींद की गोलियां कह रहा है कुछ नहीं, ये किस लिए? ऐसी बस नींद नहीं आ रही थी तो एक आध ले ली थी। नींद नहीं आ रही थी क्यों? नहीं आती थी ना। अरे मगर तूने पहले कभी बताया नहीं मुझे। बता के क्या करता, तू मुझे आके लोरी सुनाता और मैं सो जाता। हाँ अरे उससे बेहतर ही नींद की गोलियां ही सही। देखो ये मजाक की बात नहीं है, टेक इट वेरी सीरियसली। तुम्हें इनकी आदत पड़ गई है या रोज लेने लगे इसको? कोई आदत नहीं पड़ी यार, कल पहली बार ली थी, खूब नींद आई, बहुत सोया मैं, बहुत सोया। तो आज फिर इनकी जरूरत पड़ सकती है, कल एक ली थी आज दो लोगे परसों तीन, और वो भी इस शराब के साथ। तुम जानते हो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो लेक्चर मत दे यार, मैं कंट्रोल करूंगा बस। कंट्रोल करोगे यार? ये क्या बात हुई कंट्रोल करोगे, इट इज अ वेरी फेटल थिंग। तुम कोई बच्चे हो जो तुम्हें बार बार ये बात समझानी पड़ेगी? क्या हद करते हो यार तुम भी किसी बात की। नींद ना आने की कोई वजह होती है, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। तुम मुझे बताओ क्या वजह? हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे तुम बताओगे क्या? नहीं कहा ना कुछ नहीं। कम ऑन जेट, टेल मी व्हाट इज द रीजन, बोलो क्यों ले रहे हो तुम ये सब? शरद बैठ, सच बताओ रात मुझे खाने आती है, दिन तो यूं ही कट जाता है तुम लोगों के बीच कॉलेज में हंसी मजाक, लेकिन जैसे ही रात आती है ना मैं बेचैन उठता हूं, अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगता हूं। किसी की सपोर्ट की जरूरत महसूस करने लगता हूं, ऐसा लगता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई हमदर्द नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं, सिर्फ अकेला मैं, और यह अकेलापन खाता है मुझे। आई फील ऑल अलोन, जस्ट अलोन बाय माई सेल्फ। सच कहूं जाए तो किसी जमाने में मुझे भी ऐसा ही लगता था, वक्त ब वक्त अगर कोई मेरी जिंदगी में ना आता तो शायद शायद मेरी भी यही हालत होती। लेकिन मैं सवर गया, सुधा के मेरी जिंदगी में आने से मैं बच गया, वरना मैं भी अकेलेपन के अंधेरे में गुम हो जाता। लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी तरह नींद की गोलियों का सहारा नहीं लिया जाए। नहीं देखो, अगर जिंदगी किसी को सताती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने साथ में ज्यादती करने लगे, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहो, सुधा से कहो, हम कोई दुश्मन थोड़ी है तुम्हारे। सुधा को अगर पता चलेगा इस बारे में तो क्या कहेगी वो? मार डालेगी मुझे।
शरद, तुम सुधा से मत कहना प्लीज। माय गॉड, कॉलेज जाने में देरी हो गई। तुम्हारे मैं तैयार हो गया तुम जल्दी हाँ? संभाल संभाल। अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सुबह तो तुमने परेशान कर दिया, फोन पर फोन लगा रही थी और तुम उठा नहीं रहे थे, क्या हुआ? अरे जवाब तो दो। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कोई खास बात नहीं है, और तबीयत को क्या होना है? जय, तुम्हारी आंखों को तो देखो, एकदम लाल हो गई है। क्यों, रात भर सोए नहीं? हाँ पढ़ रहा था। ये कोई तरीका है? कितने बजे तक पढ़ते ही रहो, आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनमें खून उतर आया हो। अब नींद नहीं आती तो और क्या करता? नहीं, बात कुछ और है। तुम उखड़े हुए लग रहे हो, क्या हुआ? मिस्टर लेली की कल वाली बात तुम्हें अभी भी परेशान कर रही है? सदा मुझे समझ में नहीं आता है कि कुछ और लोगों को किसी औरों की बात में दिलचस्पी क्यों होती है, और अपने डिसीजन से क्लेरिफिकेशन मैं कुछ और लोगों को क्यों दूं? देखो, जब कुछ लोग एक दूसरे के साथ दिन भर काम करते रहते हैं ना, तो एक दूसरे के बारे में जानने की इच्छा हो ही जाती है। और फिर हर आदमी इतना सुलझा हुआ या गहरी सोच वाला नहीं होता है कि किससे क्या बात करनी चाहिए इसका अनुमान हो। और उन लोगों के लिए हम ह्यूमिलिएट होते रहे, है ना? तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? तुम ही हमेशा हर चीज को बर्दाश्त करने को कहते हो, और अब तो तुम ही। हाँ, मैं कहता हूं बर्दाश्त करने के लिए, लेकिन बर्दाश्त की अपनी एक हद होती है, उसकी अपनी एक सीमा होती है। इसका यह मतलब तो नहीं कि कोई भी ऐरा गरा आके तुम्हारी जिंदगी पर टिप्पणी कसते रहे। अरे मुझे जीना है, मेरी मर्जी है, मैं कुछ और लोगों को क्यों जवाब दूं? तुम दुनिया के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हो? हाँ करता हूं, लेकिन उनकी मदद के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। हो सकता है मिस्टर लेले भी तुम्हारी मदद करना चाह रहा हो, उनकी नजरों में शायद एक अच्छी लड़की है तुम्हारी। अरे ऐसे मत देखो, लाल आंखों से मुझे अजीब सा लग रहा है। इस वक्त तुम्हें अनुष्का देखती ना तो जरूर पूछती, जय अंकल क्या आपने आंखों में लाल रंग लगाया है? बच्चे भी अजीब होते हैं। अच्छा हुआ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो आई। वैसे जय, रोजमर्रा की थकान और बड़े से बड़े तनाव को बच्चों की मासूम बातें इन्हें कैसे गायब कर देती हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम्हें कोई फ्रस्ट्रेशन हो या किसी से गुस्सा हो, बच्चों से बैठकर बातें करो। शायद तुम ठीक कहती हो। जब हम बच्चे होते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के सहजता से अपनी जिंदगी जीते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी में यही कमी रह गई है जय, जब हमारे बच्चे होते हैं ना तो उनसे प्यार का, जो करीबी का, अपनापन का एहसास होता है, उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और शायद मेरी बातों से तुम महसूस नहीं कर पाओगे। आकांक्षा और अनुष्का भी तो मेरे ही बच्चे हैं, क्या इन चीजों को महसूस करने के लिए मुझे अपने बच्चे करने होंगे? बिल्कुल जय। इसका मतलब तुम भी मुझे पराया समझती हो, ठीक है? एक दोस्त होने के नाते तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, तुम जो चाहोगी उसे मैं पूरा करूंगा, बस। अगर तुम्हें मेरी सलाह देना इतना बुरा लगता है ना, तो मैं तुम्हें कभी सलाह नहीं दूंगी। ओके रिलैक्स, मैं चलती हूं। सुधा, सुधा,
बुआ क्या कर रही हो? बस रात के खाने की तैयारी। इतनी जल्दी? हाँ, आकांक्षा और अनुष्का का कुछ पता नहीं होता, भूख लगने पर उन्हें तुरंत खाना चाहिए। अच्छा बुआ, ये जो दीदी चित्रा के लिए इतना कुछ कर रही है, ये सब गोद भराई की रिचुअल्स वगैरह जो उसने किया, आपको इसके बारे में क्या कहना है? तू तो अकेली रहती है, तू सोचती है सबको अकेले ही रहना चाहिए। देखो सुषमा, दोस्ती और रिश्ते निभाने से निपटते हैं। लेकिन जब यही दोस्त आपका गला काटने पर उतर आते हैं और आपको धोखा देते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगी बुआ जी? कौन किसको धोखा दे रहा है? देखो सुषमा, अपना मन साफ होना चाहिए। दूसरा क्या करता है क्या नहीं, उसका अपना दीन ईमान है। और ऊपर वाला देख ही रहा है ना? ऊपर वाला भी कब तक देखेगा बुआ जी? आजकल तो लोग कदम कदम पे आंखों में धूल झोंकने में लगे हैं, इसीलिए मुझे सब शादी ब्याह के मामले में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। उम्र भर कुंवारी रहने का इरादा है क्या? सोचा तो यही था। तो अपनी सोच को बदल डालो बेटी, जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है और समाज के कायदे कानून इस तरह आसानी से तोड़े नहीं जा सकते। ये जो समाज के कायदे कानून है ना, ये मुझे एकदम उलझन लगते हैं, एक तरीके के बंधन और कुछ नहीं। बंधन का भी अपना एक मजा होता है बेटी। आज तुम्हें जो बंधन लगता है, जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा, तब यही आजादी तुम्हें तकलीफ लगने लगेगी। और जब कोई अपना ही तकलीफ दे तब? अगर तू सारे फैसले खुद ही करना चाहती है तो मेरा कुछ कहना ही बेकार है। लेकिन तू अगर घर बसाएगी तो कितनों को खुशी होगी। लेकिन मुझे दूसरों की खुशी से ज्यादा अपनी खुशी की पड़ी है ना बुआ जी। तो कर लो अपने मन की। हम तो बड़े हैं इसलिए तुम्हारी भलाई की सोचते हैं। सुधा भी यही चाहती है कि। अच्छा बाबा, मान लेती हूँ आप लोगों की बात, लेकिन शादी ब्याह के लिए एक लड़का अपने पसंद का भी तो होना चाहिए। क्यों, इतने बड़े शहर में अभी तक तो कोई पसंद का नहीं मिला? जरा नजर रखना, जरूर मिल जाएगा। ये सब रिश्ते तो ऊपर ही तय होते हैं। तुम्हारे जिंदगी का राजकुमार कहीं ना कहीं जरूर छिपा होगा। बाप रे बाप, ये जो मेरे जिंदगी का राजकुमार पता नहीं कहाँ पे छिपा हुआ है, पहले मैं उसे ढूंढ लेती हूँ। अगर वो मेरे पसंद का निकल गया तो मैं उससे शादी कर लूंगी, प्रॉमिस। मैं तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी तुम्हारा राजकुमार तुम्हारे सामने आकर खड़ा रहे। मैं चावल चढ़ा कर आती हूँ। ओके मासी, मुझे अपनी अंगूठी दो ना। कौन सी वाली? ये तो डायमंड की है, ये नहीं देने वाली मैं। प्लीज मासी, मुझे कुछ काम है। तुम मेरी अंगूठी के साथ क्या खेल खेलोगी? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, मैं वापस ला के दूंगी ना। ओहो प्लीज मासी, मेरी अच्छी मासी, मेरी प्यारी मासी, प्लीज मुझे दो ना। ओके ये लो, लेकिन खोना नहीं। हाँ थैंक यू मासी। बुआ हाँ, मुझे लड्डू चाहिए। लड्डू अभी? खाने के लिए नहीं बुआ, खेलने के लिए। मैं और दीदी एक खेल खेल रहे हैं। अच्छा ये लो। कितने चाहिए? दो। थैंक यू बुआ, थैंक यू मासी। बुआ हाँ, ये लोग क्या खेल खेल रहे, कभी अंगूठी तो कभी लड्डू। इनके खेल का कोई पता नहीं होता है। चलिए जाके देखते हैं। मैं चावल चढ़ा कर आती हूँ। ओके। दीदी हाँ, ये लो लड्डू और अंगूठी, ये अभी हाथ में पकड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हें लड़का होगा या लड़की। पहले मैं चित्रा आंटी की तरह चल के दिखाती हूँ, ठीक है? हाँ चलेगा। ऐसे पकड़ू या ऐसे? ठीक है, ऐसे पकड़ती हूँ। 1 2 3 क्या हो रहा है ये सब? पिलो के साथ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। बताओ बताओ क्या कर रही थी? सी एक्चुअली घर में चित्रा आंटी की गोद भराई की रस्म हुई थी ना, वो उसकी नकल उतार रहे हैं। वो तो मैंने देख लिया था चुपके से, बहुत मजा आ रहा था नहीं।
मासी मुझे बताओ, अगर कटोरी में से लड्डू निकला तो क्या सचमुच लड़का होता है? ये सब तुम दोनों की जानने की उम्र नहीं है और मेरी भी नहीं है। मासी वैसे आप प्लीज ये सब मम्मी को मत बताना, क्योंकि आप जानती है ना, अगर मम्मी को ये सब पता चल गया तो मम्मी कितना डांटेगी हमें। हाँ, इसीलिए मैं आज बता दूंगी। क्या? हाँ, मम्मी आ गई, बैंक बजेगा। क्या होगा यार, दीदी तो ये बात थी ना? क्या हुआ, तुम दोनों चुप क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है? स्कूल में कुछ हुआ क्या? फिर मम्मी पहले आप प्रॉमिस करो कि आप हम दोनों को नहीं डांटेंगे। हाँ मम्मी प्लीज आप पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप हमें नहीं डांटेंगे। प्रॉमिस, मैं नहीं डांटू। अब बताओ तो सही। दीदी बताओ ना। नहीं बताऊंगी, मुझे बहुत डांटेंगी। देखो डरने की कोई बात नहीं है, मैंने प्रॉमिस किया ना कि मैं नहीं डांटूंगी। चलो आकांक्षा बताओ। एक्चुअली मम्मी वो चित्रा आंटी की गोदभरा की रस्म हुई थी ना घर में, वो उन पे फूल बरसाए थे, फूलों से सजाया था उनको, कुर्सी पे बैठाया था, उसकी नकल उतार रहे थे। अच्छा, और कैसे नकल उतार रहे थे मुझे भी तो बताओ। मैं बताऊं? नहीं सुषमा, मेरे ख्याल से इन्हीं को बताने देना चाहिए। आकांक्षा अनुष्का। अच्छा ठीक है, मैं दिखाती। मैंने पिलो को ऐसे पकड़ा था और चित्रा आंटी की तरह ऐसे चल रही थी। हाँ तो तुम दोनों चित्रा आंटी का मजाक करने लगे। नहीं, पूरा दिन मस्ती करते रहते हो, एग्जाम्स में मार्क्स कम मिले तो। लेकिन मम्मी हमारा होमवर्क तो हो गया। और मम्मी हम चित्रा आंटी का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, हम सिर्फ उनकी नकल उतार रहे थे। देखो बेटे, ये जो रस्म है ना, बहुत पुरानी रस्म है, जमाने से चली आ रही है। बड़े बुजुर्गों का कहना मानना है, इसलिए हमें भी करना पड़ता है। और पता है मैंने ये सब चित्रा आंटी के लिए क्यों किया? क्योंकि उनका जिंदगी में और कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। और अगर ये सब हम नहीं करते उनके लिए तो और कौन करता?